हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश की वर्कशीट वीक नंबर 9 की, और इसमें हम करेंगे चैप्टर 9, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट्स लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। इसमें इस पोयम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, हम उनको पढ़ते हैं। अफ्रेड, इसका मतलब होता है डरना। डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। हार्श का मतलब होता है क्रूर। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। पीस का मतलब होता है शांति। और ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पोयम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, फाइंड आउट एंड राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। अब आपको अपनी बुक में से डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क यह पोयम पढ़नी है, और आपको उस पोयम में से इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स छांटने हैं और लिखने हैं। वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध यानी लड़ाई, इसका अपोजिट होगा पीस यानी शांति। एनिमी का मतलब दुश्मन, इसका अपोजिट होगा फ्रेंड मतलब दोस्त। लाइट का मतलब होता है रोशनी, इसका अपोजिट होगा डार्क यानी अंधेरा। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, इसका अपोजिट होगा सीज यानी ख़त्म करना या बंद करना। नाइट का मतलब होता है रात, इसका अपोजिट होगा डे यानी दिन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म में है, आपको इनकी फुल फॉर्म यहाँ लिखनी है। जैसे डोंट की फुल फॉर्म होती है डू नॉट, शुडंट की फुल फॉर्म होती है शुड नॉट, वुडंट की फुल फॉर्म होती है वुड नॉट, कुडंट की फुल फॉर्म होती है कुड नॉट, मस्टंट की फुल फॉर्म होती है मस्ट नॉट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, और उसके साथ में ब्रैकेट में दो शब्द दे रखे हैं जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और मतलब अलग अलग हैं। पहले में देखिए वन और वॉन है, वन का मतलब होता है एक और इस वाले वन का मतलब होता है जीता। सेंटेंस पूरा करते हैं, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वन द प्राइज, वहाँ केवल एक ही लड़का था जिसने प्राइज जीता। दूसरे में दो वर्ड्स हैं टू और टू, इस वाले टू का मतलब होता है दो और इस वाले टू का मतलब होता है भी। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, जो सवाल था वह बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल कि क्लास में सॉल्व ना हो पाए। ओनली टू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, केवल दो ही बच्चे उसको सॉल्व कर पाए या हल कर पाए। थर्ड में देखिए दो वर्ड्स हैं डियर और डियर, इस वाले डियर का मतलब होता है प्यारा और इस डियर का मतलब है हिरण। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, सुनहरा हिरण उसे बहुत प्यारा था। फोर्थ में देखिए दो वर्ड्स हैं सन और सन, इस वाले सन का मतलब होता है सूरज और इस वाले सन का मतलब होता है बेटा। सेंटेंस पूरा करते हैं, रामूज सन लव्ड टू प्ले इन द सन, रामू के बेटे को धूप में खेलना पसंद था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक पोयम है डोंट गिव अप, इसको पढ़ते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, जब आप काम करते ही रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप काम लगातार करते ही रहते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, इसका मतलब है अगर आप काम लगातार करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं तो आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, हमारी ज़िंदगी जो है वह पहाड़ों जैसी है, पहाड़ों से भरी पड़ी है। पहाड़ का मतलब यहाँ पे है परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तुम इन सभी से पार पा सकते हो, इन सभी को ख़त्म कर सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, और हमेशा काम ही करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, अगर आप मेहनत करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन ऊपर ज़रूर पहुंच सकते हैं, शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस पोएम को पढ़ने के बाद में बच्चों हम इन लाइन्स को पूरा करते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up you can overcome them all. Fifth sentence dekhiye, when you keep on going you can make it to the top. Next question dekhiye, question number jo hai isme dekhiye yahan par aapko kuch sounds de rakhi hain, awaazein de rakhi hain, आपको इनको कैटेगराइज करना है, छांट के लिखना है। लाउड साउंड्स यानी तेज़ आवाज़ों में, और सॉफ्ट साउंड्स यानी हल्की आवाज़ों में, या
कोमल आवाज़ों में, इसको हम करते हैं ट्रैफ। जो लाउड साउंड्स हैं यानी तेज़ आवाज़ें हैं वो हैं ट्रैफिक, बेबी क्राइंग बच्चे का रोना, टेम्पल बेल मंदिर की घंटी, डॉग बार्किंग कुत्ते का भौंकना, समवन कॉलिंग योर नेम यानी कोई आपका नाम बोले। और सॉफ्ट साउंड्स यानी हल्की आवाज़ें या कोमल आवाज़ें हैं चर्पिंग बर्ड, चिड़ियों का चहचहाना, समवन जंपिंग किसी के कूदने की आवाज़, वाटर ड्रिपिंग पानी के टपकने की आवाज़, फैन ब्लोइंग पंखा चलने की आवाज़, लीफ फॉलिंग पत्ता गिरने की आवाज़, और आखिरी में है क्लॉक टिकिंग यानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़। बच्चों ये हमारी वर्कशीट खत्म हो गई है, बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।